श्रीनगर के मेयर जुनेद अजीम मट्टू द्वारा नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए गए। एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, उन्होंने बेसिक जो कॉन्टोर्स हैं आपको जो बताए वो एक हकीकत है। हमारी सियासी सोच अलग हो सकती है, हमारी आइडियोलॉजीज अलग हो सकती हैं, हम एक पार्टी के हिस्से ना हैं, लेकिन हम सब आज से 4 साल पहले जब रिवायती सियासी पार्टीज़ ने अर्बन लोकल बॉडीज़ का बायकॉट किया, उस वक्त हम आगे आए और हमने ये इलेक्शन लड़ा। इसलिए लड़ा कि शहर श्रीनगर में जहां 10 साल से अर्बन लोकल गवर्नेंस नहीं हुई थी, 10 साल से जो नुकसान हुआ था, जो काम लोगों के मिली मसाइल पेंडिंग थे, उनमें एक तवानाई आए, वो तेज़ हो और शहर की डेवलपमेंट हो। हम में से किसी का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। हमारे वालिद साहिबान न मिनिस्टर थे न एमएलए थे, हमारे लिए फैमिली बिजनेस नहीं है, लेकिन हमने पूरी नेक नीति के साथ कोशिश की और कर रहे हैं और करते रहेंगे कि शहर में बदलाव आए। लेकिन जब जब हमने इस कोशिश में, पहले तो जब इमरान साहब डिप्टी मेयर थे, इमरान साहब और मुझ में जब इत्तेफाक हुआ, जब हम यूनाइट हुए शहर के लिए, शहर के बका के लिए, इमरान साहब भी पढ़े लिखे हैं, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, हम यहाँ पे सियासत में कोई एक्सीडेंटली नहीं आए हैं, कोई मजबूरन नहीं आए, शौकन आए हैं। और जब हम इकट्ठे हुए तब यही तंजीमें निकली, यही नेशनल कॉन्फ्रेंस निकली, हम में तफरीक उठाने के लिए, हमें डिवाइड करने के लिए और डिवीजन के फ़ायदे उठाए, हर एक किस्म का फ़ायदा उठाया। वो फ़ायदे जो मैं यहाँ पे आपको अगर बता दूँ शायद इनका सियासत में रहना ही मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद एक फिर से एक अरसा गुजरा जब इमरान साहब और मेरी डिफरेंसेस हुई, इनने कॉरपोरेशन को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की और उसका फ़ायदा उठाया। डिस्टेबलाइज इसलिए इनने किया क्योंकि इनने उस वक्त बायकॉट किया, और जब इनके हाथ से वो शहर का इक्तदार चला गया, निकाब हम इस शहर में गवर्नेंस चलने नहीं देंगे, हम डिस्टेबलाइज कर देंगे सबको। हमने फिर भी कोशिश की और इंशाल्लाह ताला कोशिश करते रहेंगे, और अल्लाह ताला का एक फ़ज़ल है कि आज हम इकट्ठे हैं। लेकिन आज कुछ रियलिटीज़ हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। मैं इमरान साहब तो वक्तन फवक्तन कनेक्टेड रहते हैं, इनने हर एक स्टेटमेंट फैक्चुअली दिया, इनने स्टेटमेंट जो गलत स्टेटमेंट्स आए उनको भी काउंटर किया। मैं थोड़ा गुरेज इसलिए करता था क्योंकि एक स्टैचुटरी पोजिशन पे हूँ। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि लोग ये बोले, देखिए जी हमेशा यही चलता रहता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, आप भी कभी कहते हैं हमेशा यही चलता रहता है, तो फिर मैं ही शराफत का मुजाहरा करके चुप हो जाता हूँ। लेकिन शराफत का नाजायज़ फ़ायदा ना नेशनल कॉन्फ्रेंस उठानी चाहिए, ना कोई नेशनल पॉलिटिकल पार्टी उठानी चाहिए। मैं बड़े क्लियर टर्म्स में यहाँ कहना चाहता हूँ, मैं पहले ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से एक दरख्वास्त करूँगा कि हम सब बड़े एज में भी कम हैं, तजुर्बे में भी कम हैं, खानदानों से नहीं आए हैं, खानदानों के खिलाफ उठे हैं। हमें तो बताया जाता है कि खानदानों की जो मोनोपोली है उसको कश्मीर की सियासत में ख़त्म करना है, लेकिन कुछ नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज जो पॉलिटिकल इकोसिस्टम का पार्ट है वो क्यों इन्हीं रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज से मिसलीड होती हैं, क्यों इन्हीं रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के जो चोर और डकैत हैं उनसे मिसलीड होती हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का मेल है कहाँ पे? अगर मेल है तो वो सरे राम मेल करें, वो रास्ते पे अलायंस करें। पीडीपी ने एक अलायंस की बीजेपी के साथ, ओपनली की, पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने की, ओपनली की। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर करती है वो चोरी छुपे कमरों में क्यों करती है? ओपनली करे ना। अगर किसी को ये शौक है कि वो एसएमसी को डिस्टेबलाइज करे और उसके लिए एनसी और बीजेपी एक अलायंस भी आपस में करे, खुदारा कीजिए ओपनली कीजिए। मैं कह रहा हूं वसूख के साथ, मैं आपकी बैंड बजा के रख दूंगा शहर में। मेरे पास वो सबूत हैं आपके खिलाफ, इमरान साहब और मेरे पास वो सबूत हैं आपके खिलाफ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3-4 कैंडिडेट तो इलेक्शन ही नहीं लड़ पाएंगे, और ऐसे ऐसे सबूत हैं कि आप उनके घर की तरफ नहीं देखेंगे। उसके बाद हमने पूरा 5-6 महीने एक एक्सरसाइज करके वी हैव रिसीव्ड सच हॉरेंडस टेरिबल एंड हॉरिबल प्रूफ्स अगेंस्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड देयर सन्स एंड देयर लीडर्स कि इंसान का दिल दहल जाता है वो बोलते बोलते, और उनको पता है वो हम सबकी माएँ और बहनें हैं, बच्चियां हैं। यहां पे कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस का लीडर ये ना समझे कि मेयर कुर्सी या एसएमसी की इतनी कोई लालच होगी, या जुनैद मत्तू को या शेख इमरान को या यहां पे बैठे हुए साथियों को कि हम ब्लैकमेल होंगे, उसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। हर 6-7 महीने के बाद कोई 2 पैसे का आदमी
जिसने उतने वोट लिए होंगे जितने घर में अफराद होते हैं, वो उठ के बोल देता है जी हम दस्तखत शुरू करने जाएं, तो करें ना दस्तखत। हमारे पास कितने दस्तखत हैं? हमारे पास तो 62 सिग्नेचर्स हैं इनकम्बेंट डिप्टी मेयर नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ। कोई कॉरपोरेटर है वो वहां भी दस्तखत करे, यहां भी दस्तखत करे। शुड द आइडिया ऑफ इंडिया, शुड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी बी टार्निश्ड एंड ब्लैकमेल्ड बिकॉज ऑफ पीपल जो ब्लैकमेल करने निकले? एक इल्जाम लगा जी बहुत सारा काम शहर के एक हिस्से में हुआ है, बेबुनियाद इल्जाम है। हमने जो प्रेजेंट किया मैग्नमाइजेशन का प्रोग्राम 117-120 करोड़ का किया, हुआ टोटल 40 करोड़ का। अगर 120 में 40 का ही हम मैनेज कर पाए, द रियलिटी इज द एंटायर सिटी कांट बी कवर्ड इन वन ईयर, इट विल बी कवर्ड इन टू ईयर्स। ये कॉमन सेंस है। लेकिन मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं, क्या मुझे भी एज अ मेयर खानियार के ही कोचे ठीक करने हैं, हबाकदल के ही कोचे ठीक करने हैं? खानियार में ही अप्रैल में येलो टाइल लगानी है और अक्टूबर में रेड टाइल लगानी है? क्या श्रीनगर को हमें मफलूज रखना है? श्रीनगर को 70 साल तक जिनकी सड़कें नहीं बनी उनकी फिर भी नहीं सड़कें बनानी है? दूसरी बात है जी ग्रीन बेल्ट में सड़कें बनी, क्या निशात ईश्वर ग्रीन बेल्ट नहीं है? डल गेट क्या डल लेक के बाउंड्री पे नहीं है? लेकिन अगर सैदाकदल और अशाही बाग में सड़कें बनती हैं उस पे कुछ तंजीमें शोर उठाते हैं, उनका क्या कहने? उनका ये कहने का मतलब है कि इस शहर का जो अहले शिया भाई है उसको सड़क का हक नहीं है। लेक के इस तरफ पे अहले सुन्नी भाई रहते हैं, इस तरफ अहले शिया भाई रहते हैं, उसकी 70 साल से सड़क नहीं बनी, इसकी हर साल बनती है, तो वो बताए ना। मैं बड़ा क्लियरली आपको बताता हूं, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो तोहमतबाजी है, ये ब्लैकमेल है, मॉनेटरी ब्लैकमेल है, नथिंग एल्स। और मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू अपने लोगों से भी अपील करता हूं कोई ब्लैकमेल ना हो। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील करता हूं कि वो इसके रूट्स पे जाए। आज से करीबन 3-4 महीने पहले, ये बात आप सुनिए, हमारे पास रोते रोते एसएमसी में, एक मेरे एसएमसी के कॉरपोरेटर ही हैं, उनने रोते रोते दो नौजवानों को मेरे पास लाया और पता चला कि उनने 3 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डाले थे इनकम्बेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिप्टी मेयर के। मैंने कमिश्नर साहब को लाया, मैंने एसएसपी को फोन किया, वहां पे एक मैजिस्ट्रेट आए, वीडियो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ और हमने हवाला कर दिया। एसएचओ शहीदगंज ने इंक्वायरी करने के बाद रिपोर्ट दी गवर्नमेंट को कि हमें ये जी बिल्कुल सही है, 3 लाख की रिश्वत अकाउंट में ली गई और ये हम फॉरवर्ड फॉर प्रोसिक्यूशन करते हैं। 1.5 महीने से उसमें कोई एक्शन नहीं है। उस सैलरी अकाउंट में नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिप्टी मेयर के 1.5 करोड़ की रिश्वतें ढूंढी गई। सरपंच आज 5,000 रुपए पे सस्पेंड होता है, 5,000 पे। एक म्युनिसिपल कमेटी का चेयरमैन 1,500 रुपए पे गया। 1.5 करोड़ सैलरी अकाउंट में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर के निकले हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो की इन्वेस्टिगेशन हुई है अभी, एक दो महीने पहले कंप्लीट हुई है। 1.5 करोड़ निकले हैं, 30 लोगों ने बयान वहां पर अपने कलम बंद किए हैं, लेकिन सरपंच को आप 5,000 रुपए निकालते हैं, इनको वहीं रखना है। लेट इट बी एज इट इज। अगर आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर से मुसल्लत कश्मीर पे करनी है तो बोल देना, मे बी इनने दिल्ली में कोई माहिदा किया हो। एक और रिकॉर्डिंग हमारे पास है, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक बहुत सीनियर लीडर, एक बीजेपी के बहुत सीनियर लीडर को कहते हैं हम तो आपके हैं, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, आप बोलिए क्या करना है, हम कमिटेड हैं जो आप बोलेंगे। वो उस रिकॉर्डिंग में वॉट एवर 6 बार बोलते हैं, वो कहते हैं आई एम कमिटेड फॉर वॉट एवर एनीथिंग। वो ये भी नहीं कहते हैं कि आप बोलिए कि क्या करना है, वो कहते हैं आप बोलिए ही मत, जो आप बोलेंगे हम वो करेंगे। लेकिन यहां पे वो निकलते हैं चूड़ियां लगा के रेडियो कश्मीर में धरना और एहतजाज देने, बीजेपी हाय हाय, हाथ भी ऐसे रखते हैं। अगर सारे पोपते करो, कम से कम इतपट करो, स्विच।